बहुत दिन हुए। शहर में एक बुढ़ा और एक बुढ़िया रहते थे। उनके घर एक चिड़ा रोज आता और दाना तुनका चुनकर उड़ जाता। दोनों मियां बीवी इस चिड़े का इंतजार करते रहते। वो उसके लिए दाना और एक प्याली में पानी रख देते। चिड़ा आता, दाना खाता, इधर उधर घूमता, कभी उनके कंधों पर बैठता, कभी हाथों पर, और फिर उड़ जाता। एक दिन बुढ़िया अपने सहन में चिड़े का इंतजार कर रही थी कि उसकी बदमिजाज पड़ोसन आई और कहने लगी, ए, क्या अपने चिड़े का इंतजार कर रही हो? अब वो मुआ तुम्हारे यहाँ कभी नहीं आएगा। अरे हाँ, कमबख्त ने नाक में दम कर रखा था। आज मेरे चावल उड़ा गया, कल मेरी दाल हजम कर गया, मैंने भी कल उसकी चोंच तोड़ के रख दी। बुढ़े बुढ़िया दोनों को पड़ोसन की राम कहानी सुनकर बड़ा रंज हुआ। वो सोचने लगे, अब बेचारा चिड़ा भूखों मर जाएगा। कम से कम अब वो किसी इंसान के तो पास भी नहीं फटकेगा कि इंसान का क्या भरोसा। आखिर उन्होंने फैसला किया कि चलो जंगल में चलकर चिड़े का घोंसला तलाश करें और इससे इंसान के बुरे बर्ताव के लिए मुआफी मांगे। बुढ़िया और बुढ़ा दोनों जंगल में पहुंचे और ढूंढते ढूंढते उन्होंने अपने दोस्त चिड़े का पता लगा लिया। उसकी चिड़िया और दो बच्चे भी साथ थे। वो सब इन नेक इंसानों को देखकर बहुत खुश हुए और खूब चहचहाए। चिड़ा बोला, आज मुझे कितनी खुशी है कि मेरे मेजबान आज खुद मेरे मेहमान हैं। जो अच्छा बर्ताव आप दोनों मेरे साथ करते रहे हैं और जिस मोहब्बत से आप मेरे साथ पेश आते रहे हैं, इसका शुक्रिया भला मैं क्यों कर अदा कर सकता हूँ। चिड़ियों ने फिर बहुत से फल इकट्ठे कर दिए और सबने मिलकर खूब खाए। जब बहुत देर इसी तरह गुजर गई तो बुढ़े बुढ़िया ने चिड़े से घर जाने की इजाजत मांगी। चिड़ा जल्दी से बहुत छोटी छोटी दो टोकरियां लाया और कहने लगा, इनमें से एक टोकरी हल्की है और एक भारी है, दोनों में से आप एक ले लीजिए, बताइए कौन सी टोकरी आप लेंगे। बुढ़ा बोला, हम पर आपकी खातिरदारी का एहसान ही क्या कम है जो अब ये तोहफा लेकर इस एहसान का बोझ और बढ़ाएं। चिड़े ने कहा, नहीं, ये हरगिज नहीं हो सकता, इन दोनों में से एक टोकरी तो आपको लेनी ही होगी। बुढ़े ने कहा, अच्छा, अगर आपकी यही मर्जी है तो हमें हल्की वाली टोकरी दे दीजिए। गरज चिड़े चिड़िया का शुक्रिया अदा करके और अपने घर आने की दावत देकर बुढ़ा बुढ़िया दोनों वो हल्की टोकरी लिए हुए अपने घर पहुंचे और इस टोकरी को कमरे में रख दिया। जमीन पर रखते ही वो मुन्नी सी टोकरी, जो मुश्किल से एक आलू के बराबर होगी, बड़ी होने लगी और बढ़ते बढ़ते एक अच्छे खासे संदूक के बराबर हो गई। दोनों को बड़ा ताज्जुब हुआ, मगर जब इस संदूक को खोला तो और भी ज्यादा ताज्जुब हुआ। सारा संदूक बहुत कीमती रेशम के कपड़ों और जवाहरात से भरा हुआ था। चिड़े की दोस्ती ने उनको उम्र भर के लिए बेफिक्र कर दिया। अब उन्हें कभी गरीबी का मुंह देखना नहीं पड़ेगा। अब सुनो, उन दोनों को खुशहाल देखकर बदमिजाज पड़ोसन दौड़ी हुई आई और सारा हाल मालूम करके सीधी जंगल को रवाना हो गई। बुढ़े के बताए हुए पते के मुताबिक उसे जल्द ही चिड़े का घोंसला मिल गया। पड़ोसन ने घोंसले पर दस्तक दी। चिड़ा बाहर निकला और उसको देखते ही नाक भूं चढ़ाकर बोला, क्यों, क्या काम है? पड़ोसन बोली, मुझे बड़ा अफसोस है कि मैंने इस दिन तुम्हारी जरा सी चोंच तोड़ दी। बात ये थी ना कि मुझे गुस्सा आ गया था। किसी की चीज गारत होती है तो गुस्सा आ ही जाता है। खैर, अब इन बातों को छोड़ो, मैं तुम्हारी मेहमान हूँ, मुझे कोई तोहफा दो। चिड़ा इसकी बातें सुनकर मुस्कुराया
और अंदर जाकर वो मुन्नी मुन्नी टोकरियां उठा लाया और कहने लगा, इनमें से एक टोकरी ले लो। लालची औरत ने फौरन भारी वाली टोकरी उठा ली और सीधी अपने घर को सुधारी, यहाँ तक के चिड़े का शुक्रिया भी अदा नहीं किया। ये टोकरी बुढ़े बुढ़िया वाली टोकरी से भी ज्यादा अजीब थी। उनकी टोकरी तो घर पहुँच कर बड़ी हुई थी, ये रास्ते में ही बढ़ने लगी और होते होते इतनी बड़ी और इतनी भारी हो गई कि उस औरत के संभाले ना संभलती थी। मगर औरत बहुत खुश थी, वो समझ रही थी कि इसमें जवाहरात भरे हुए हैं और जवाहरात तो भारी होते ही हैं। वरस किसी ना किसी तरह उसे घसीट कर घर ले ही आई। दो चार मिनट दम लेने के बाद थके मांदे हाथों से संदूक खोला तो एकदम दो भूतने उसके अंदर से गहकहा लगाते हुए बाहर निकल पड़े और इस औरत को पकड़ कर उस जजीरे में ले गए जहां ऐसे लोगों को सख्त सजा दी जाती है जो जानवरों को सताते हैं और उन पर जुल्म करते हैं।